जब वीके शिवकुमार और सिद्धरामैया एक हाथ में कह ही रहे थे और एडमिट भी कर रहे थे कि अपने गारंटीज के फाइनेंसिंग के लिए उनके पास पैसा नहीं है, डेवलपमेंट के लिए पैसा नहीं है, उन्होंने खुद कहा। यही से अंबिकापति के घर से कल, ये अंबिकापति के भाई कांग्रेस में है, ब्रदर इन लॉ कांग्रेस में है, पिताजी कांग्रेस के एमएलए रहे हैं, ब्रदर इन लॉ कांग्रेस के एमएलए रहे हैं, उनके घर से कल 42 करोड़ पैसा निकला है। ये बड़े स्पष्ट रूप से दिखाता है कि वो जो 22 में उन्होंने एक ढोंग, एक ड्रामा किया था, इस ड्रामा के पीछे इनका मकसद ये था। और अगर कांग्रेस के पास कोई गारंटी है, यही एक गारंटी है कि कांग्रेस गारंटी ऑफ करप्शन। और वो जो उनके नेता हैं जो भारत जोड़ो के बारे में बात करते हैं और एक नया यूपीए का नाम बदलकर INDI अलायंस उन्होंने शुरू किया है, ये भी एक स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि इंडी लूटो यात्रा उनका टाइटल होना चाहिए और उनका नाम होना चाहिए। तो कांग्रेस का एक गारंटी ऑफ करप्शन, इंडी लूटो यात्रा का एक क्लियर एविडेंस हमें अंबिकापति के घर से कल मिला है। और मैं ये बड़ा स्पष्ट रूप से दावा रखना चाहता हूं, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हमने ये मैं अनफॉर्चुनेट इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इलेक्शन के दौरान हमने एक एडवर्टाइजमेंट निकाला था भाजपा ने, और हमने प्रिडिक्ट किया था कि अगर कांग्रेस आता है कर्नाटक एक ATM बनेगा, और वो बनेगा और बन रहा है आज तेलंगाना के इलेक्शन के फंडिंग के लिए और मध्य प्रदेश के इलेक्शन के फंडिंग के लिए। ये अनफॉर्चुनेट है कि हमने ये हमारा ये जो प्रिडिक्शन सच आया है, अनफॉर्चुनेट हमारे लिए नहीं, अनफॉर्चुनेट कर्नाटक के लोगों के लिए, क्योंकि स्टेट बन गया है DK शिवकुमार और सिद्धरामैया के हाथ इंडी लूटो यात्रा का एक ATM और कांग्रेस करप्शन गारंटी का एक ATM। और ये अंबिकापति एक ही ऐसा व्यक्ति नहीं है, हमारा दावा यह है कि ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है और आने वाले दिनों में हमारा ये बिलीफ है कि काफी सारे ऐसे करप्शन, काफी सारे ये जो कॉन्ट्रैक्टर्स 40% करप्शन के बारे में उन्होंने जो एक अफवाह और फेक नैरेटिव उन्होंने खड़ा किया, वे सब एक्सपोज होंगे। और कर्नाटक में, कर्नाटक का हाल जब कांग्रेस ने क्या किया है, मैं उसको आपको एक और एग्जांपल देना चाहता हूं। आप सब ने पंडित राजीव तारानाथ के बारे में सुना होगा, वो मैसूर से हैं, वो एक जाने माने ग्लोबली रिनाउंड सरोद प्लेयर हैं। कर्नाटक में करप्शन का हद का एक और एग्जाम्पल, एक और नमूना यह है कि पंडित राजीव तारानाथ, जिनको दशहरा के लिए परफॉर्म करने के लिए सरकार ने इनवाइट किया, उन्होंने मान लिया, सरकार के ऑफिशियल्स उनके घर जाते हैं और कहते हैं कि हम आपके फीस को बढ़ाएंगे, लेकिन फीस के जो हम एक्सेस करेंगे, एक्सेस बढ़ाएंगे, वो आपको वापस देना पड़ेगा हमारे मंत्री को देने के लिए। उन्होंने मीडिया में कह दिया ये, और उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि हम दशहरा में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। इस हद तक कांग्रेस के इस कल्चर ऑफ करप्शन गिर गया है कि हमारे जाने माने कल्चरल आइकॉन्स को भी करप्शन का कॉन्सिक्वेंस फेस करना पड़ रहा है। पंडित राजीव तारानाथ, जो मैसूर के और कर्नाटक के एक बहुत प्रसिद्ध सरोद प्लेयर हैं, उनको कांग्रेस सरकार कहती है कि हम पैसा देंगे लेकिन आपको जो एक्सेस पैसा मिलेगा आप वापस दीजिए, क्योंकि हमें मंत्री को देना है। ये दूसरा एग्जाम्पल। तो मैं
एंड में यही कहूंगा और मेरे इसके बाद मैं दो और इश्यूज के बारे में टच करूंगा जो झारखंड में और राजस्थान में जो हो रहा है। झारखंड में यही इंडी लोटो यात्रा इंडी अलायंस यूपीए अलायंस के एक पार्टनर हेमंत सोरेन जी झारखंड हाई कोर्ट ने उनके ईडी समन्स के अगेंस्ट जो उनका प्ली था झारखंड हाई कोर्ट ने डिसमिस कर दिया है। तो राहुल गांधी और कांग्रेस ही नहीं इस इंडी लूटो यात्रा में उनके भागीदारी हमारे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी जो यूपीए इंडी अलायंस के पार्टनर है उनका भी इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। और साथ साथ आप राजस्थान चलिए और कांग्रेस के एक और स्टार परफॉर्मर, मैं वो स्टार परफॉर्मर लूजली यूज कर रहा हूं, स्टार परफॉर्मर अशोक गहलोत जी के घर एड के घर में पेपर लीक केस में वहां पर भी छापामार शुरू हो गया है। तो एक तरह से ये मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि कांग्रेस का अगर कोई गारंटी है अनइक्विवोकली एंड अनएम्बिगुअसली उनका एक ही गारंटी है, अ गारंटी ऑफ करप्शन। और जो कर्नाटक में देखने को मिल रहा है और वहां से जो पैसा तेलंगाना और अन्य स्टेट के इलेक्शन के लिए डिस्ट्रीब्यूट करने की जो कोशिश है ये दर्शाता है कि कांग्रेस गारंटी ऑफ करप्शन के साथ इंडी लूटो यात्रा के बारे में सभी स्टेट्स के वोटर्स जान लें और आपके द्वारा सभी के पास कांग्रेस की नियत और इंडी अलायंस की नियत और उनके ऑब्जेक्टिव्स और उनके राजनीति के बारे में लोग जान लें और पहचान लें। धन्यवाद।